चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप ही कहा जा सकता है। चंद्रयान 2 की 6 सितंबर 2019 को असफल लैंडिंग हुई थी। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसके बाद मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य इसे ठीक करना और मून पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करना है। अब तक सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, इनमें यूएस, तत्कालीन सोवियत यूनियन और चाइना है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में 3 कंपोनेंट्स हैं, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचाना। इसके बाद वो बाकी मॉड्यूल से अलग हो जाता है। लैंडर मॉड्यूल को मून की डिसाइडेड लोकेशन पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। रोवर लैंडिंग के बाद चांद के सर्फेस पर केमिकल एनालिसिस करता है। चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसकी हाइट 43.5 मीटर्स और डायमीटर 4 मीटर्स है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मैक्सिमम 8000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा से लॉन्च होगा और इसका लैंडर 23 से 24 अगस्त को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।